आर्थिक पक्ष की जो नीतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, इन नीतियों के विकास के क्रम के बारे में समझ में आएगा। इसलिए हम पहले इतिहास की चर्चा करते हैं साथियों। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन। जैसे ही कारखाने लगे, मशीनीकरण हुआ, कारखाने लगने के बाद एक अलग तरीके की व्यवस्था का जन्म हुआ, जिस व्यवस्था का नाम था पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपतियों की व्यवस्था। उसने भी एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसको कहा गया औद्योगिक मजदूर, कारखाने के मजदूर, कारखाने में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी, स्टाफ, मैनेजर, एक नए वर्ग का उदय हुआ। तो ये साथियों एक नए युग का उदय था, जहां से नई पूंजीपतियों की व्यवस्था शुरू हुई और वहीं से एक कर्मचारी मजदूर मेहनत कश वर्ग पैदा हुआ। तो इसका वर्गीय चरित्र इस तरीके से बना के पूंजीपति वर्ग इन मजदूरों का कारखाने के अंदर अधिक से अधिक काम करा करके, इनका शोषण करके अपना मुनाफा कमा रहे थे, अपना पैसा बना रहे थे। और उस समय कोई किसी तरीके का कोई सुरक्षा नहीं था मजदूरों का, किसी तरीके का कोई संरक्षण नहीं था, कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं थी, बहुत बुरी दुर्दशा थी मजदूरों की। तो यहां से साथियों शुरुआत हुई। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। 1848 में मार्क्स ने, एंगल्स ने और सभी साथियों ने मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया। प्रकार से पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक सत्ता थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसी तरीके से जो शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग था उसकी भी राजसत्ता कायम करने का एक कॉन्सेप्ट दिया कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने बहुत सारी थ्योरियां दी, उन्होंने इस लूट के सिद्धांत को बताया, अतिरिक्त मूल्य की थ्योरी दी, मूल्य की थ्योरी दी, भूया के सामने रखा और उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से मेहनत कश वर्ग की राजसत्ता कायम हो सकती है। जब ये व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने रखी दुनिया के सामने, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में मेहनत कश वर्ग के अंदर जागृति आई और बड़ी संख्या में मेहनत कश वर्ग जागरूक हुआ और वहां से मेहनत कश वर्ग के आंदोलन शुरू हो गए। उनको इतना आर्थिक मदद मिले, इतना उनको वेतन मिले, उतना उनको तनख्वाहें मिले, इस तरीके का एक आंदोलन शुरू हुआ। और इसी आंदोलन के साथ में साथियों 8 घंटे के काम का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ साथियों। और जो 1886 में अमेरिका में जिस तरीके से दमन हुआ, उसके बाद से दुनिया में मजदूर दिवस मनाना शुरू हुआ, मेहनत कश वर्ग दुनिया का जागा और उसने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, वो 8 घंटे समाज के लिए, पूंजीपति वर्ग था, जो पूंजीपतियों की सरकारें थी उनसे ये पाने में सफलता हासिल की। और जिस तरीके से मार्क्स ने जो एक राज व्यवस्था का खाका रखा था दुनिया के सामने, उसके बाद से मेहनत कश वर्ग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। रूस में लेनिन के नेतृत्व में वहां क्रांति हुई और एक क्रांति मजदूर वर्ग ने की, मजदूर थे जिन्होंने क्रांति की, उस राजा की राजसत्ता को खत्म किया, उसके बाद से एक नई व्यवस्था कायम की। उसके बाद से साथियों दुनिया में ये संघर्ष शुरू हो गया, दुनिया की जो पूंजीवादी ताकतें वो हिल गईं, क्रांतियां होने लगी, मजदूर सड़कों पर उतरने लगे। उसके बाद से इस पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था को समझ में आ गया, जो मेहनत कश वर्ग है इसको सुविधाएं नहीं दी, इसको सहूलियतें नहीं दी, इसको अधिकार नहीं दिए, तो ये मेहनत कश वर्ग पूरे दुनिया में ये कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है इसके आधार पर पूरे दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और क्रांति करके पूरे दुनिया में मजदूर वर्ग अपनी सत्ता कायम कर लेगा। जिसके दबाव में साथियों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। पूंजीपति वर्ग ने कहा नहीं, हम अपने देश के मजदूरों को शिक्षा की सुविधा देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उनको अच्छा वेतन देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे, ट्रेड यूनियन राइट्स देंगे और उनको जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा मिलने का अधिकार देंगे, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये सभी तरीके की सहूलियतों का ऐलान किया। मगर साथियों इस दबाव के कारण से पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, पूरी दुनिया में श्रम कानून बने, पूरी दुनिया में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे का समाज और परिवार के लिए समय निर्धारित हुआ, ट्रेड यूनियन राइट्स मिले, यूनियन बनाने का अधिकार मिला, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलने का रास्ता खुला। तो साथियों हमको समझना है
कि मेहनत का स्वर्ग की इस लड़ाई ने और कार्ल मार्क्स की जो समाजवादी की विचारधारा थी उस विचारधारा के दबाव में दुनिया के पूंजीपति वर्ग को यह फैसला करना पड़ा। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। हमको यह भी समझना है साथियों कि मेहनत का पूंजीपति वर्ग अपने तरफ से अपने मन से कभी भी मेहनत का वर्ग जो मजदूर कर्मचारी है उसको कुछ भी देने को तैयार नहीं होता और उल्टा तरह तरह से शोषण करके जितना ज्यादा उसका शोषण करके उसको निचोड़ के जितना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है मुनाफा कमाने का कोशिश करता है। मगर साथियों इस विचारधारा को समझना है, मेहनत कश वर्ग को इस विचारधारा को समझना है और यह भी समझना है कि अगर यह विचारधारा ना होती, यदि कार्ल मार्क्स ना होते, यदि लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति ना होती तो दुनिया में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ना होती। पता नहीं हम किस तरीके की गुलामी में जी रहे होते, किस तरीके का शोषण दमन अत्याचार को हम सहन कर रहे होते। तो ये साथियों एक बेचारे पक्ष है जिसको हमको याद रखना है। ये अटल सत्य है और यही यथार्थ है जिसको हमको याद रखने की जरूरत है, जिसको दुनिया के मेहनत कश वर्ग को याद रखने की जरूरत है। वर्गीय रूप से हमें यह भी समझना है साथियों कि ये जो हमारा एक ऐतिहासिक लड़ाई का जो दौर था, इतिहास था, इसको पूंजीपति वर्ग खत्म करना चाहता है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास को दुनिया का जो मेहनत कश वर्ग का इतिहास है, इस इतिहास को हम दुनिया के मेहनत कश वर्ग के सामने रखें। तो एक बात तो साथी ये समझना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके आगे साथियों हम अपने देश में आते हैं। इसी क्रम में हमारे देश में, भारत देश के अंदर मेहनत कश वर्ग ने बड़ी बड़ी हड़तालें की, बड़े बड़े आंदोलन किए। उस समय हमारे देश में कपड़ा मिलें बहुत बड़ी बड़ी थी, उन कपड़ा मिलों में बड़ी बड़ी हड़तालें की, मजदूर वर्ग आजादी के आंदोलन के लिए लड़ा। ये सभी समझ के साथ जब मजदूर ने संघर्ष हमारे देश में किया, हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई थी, हमारे देश में मार्क्स और लेनिन के विचारधारा को फैलाने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। हमारे देश में जो उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों को यह लगा कि यदि भारत देश के अंदर हम इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नहीं लाएंगे तो भारत देश के अंदर भी मजदूर वर्ग मेहनत कश वर्ग मिलकर के क्रांति करेगा और हमारा जो ये राज्य है इसको खत्म कर देगा। इसी के साथ में हमारे देश के जो पूंजीपति थे उनका भी ये बड़ा चिंता था। उन्होंने अंग्रेजों को भी ये बात कही कि आप कैसे भी करके इसका रास्ता निकालिए और जो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म या समाजवादी का सिद्धांत है इससे हमको बचाइए। इस दबाव में हमारे देश के अंदर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शुरू हुई। हमारे देश के मजदूरों को 1926 में ट्रेड यूनियन अधिकार दिए गए, यूनियन बनाने का राइट दिया गया। ये अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों का शासन था उस समय हमारे देश में। और उसके बाद से साथियों धीरे धीरे करके यहां से श्रम कानून बनना शुरू हुआ। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज के लिए लागू हुआ। स्थायी नौकरी का कानून बना, स्थायी नौकरी का, जो स्थायी प्रवृत्ति के काम में स्थायी कामगार लगेंगे, स्थायी कामगारों को जो कामगार काम करते उनके लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के हिसाब से इनको कॉलोनी घर बना के दिए जाएंगे, इनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होगी, इनके लिए अस्पताल की व्यवस्था होगी, इनके रहने के लिए छोटा सा घर होगा, कॉलोनी बनाएगी कंपनियां या सरकार, इस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। इस तरीके से साथियों हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शुरू हुई। उसके बाद से साथियों 1930 में, 1933 में इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर श्रम कानून बने। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका था उस समय एक ऐसा बिल लेके सरकार अंग्रेज आए थे जिसमें मजदूरों को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था। सरदार भगत सिंह भी समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते थे, इस बात को भी याद रखना है। सरदार भगत सिंह जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है उससे सहमत थे, समाजवादी व्यवस्था से सहमत थे, लेनिन को अपना क्रांतिकारी आइकॉन मानते थे। और आपको याद होगा इतिहास में दर्ज है जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो आखिरी में वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे,
जब उनको फांसी देने के लिए वहां अंदर लोग गए तो उन्होंने कहा थोड़ा सा रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल रहा है अभी। तो इस तरीके से भगत सिंह का जो योगदान था विचारधारा के रूप में, यह भी हमको ध्यान रखना है। भगत सिंह भी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। उसके आगे साथियों, आजादी के आंदोलन में यह धारा बनी। हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। हमारे देश में सबसे पहले एटक बना। एटक जो ट्रेड यूनियन है वो हमारे देश का पहला ट्रेड यूनियन है। 1950 तक ये पहला ट्रेड यूनियन था जिसमें सारे मजदूर मेहनत का वर्ग उस ट्रेड यूनियन के मोर्चे से अपना लड़ाई लड़ते थे, अपनी आवाज को उठाते थे, किसान सभा बना। तो सारा इतिहास मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं साथियों, मगर मेहनत का वर्ग का आजादी के आंदोलन के साथ उनकी खुद की आजादी का भी संघर्ष निरंतर चला, ये हमको याद रखना है। और 1948 में जब देश आजाद होने वाला था उसके पहले कारखाना अधिनियम बना, उसके पहले ग्रेजुटी एक्ट बना, 1965 में बोनस एक्ट बना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि आजाद देश आजाद होने के पहले जितने भी श्रमिकों के हित के कानून हैं वो कानून बन चुके थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको याद रखना। 1926 से लेकर के 1948-1951 तक जो श्रम कानून बने, वो जो अंग्रेजों ने बनाए, वो सारे श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में थे। और साथ में साथ एक चीज और समझना है, श्रम कानून का कॉन्सेप्ट ये था कि श्रमिकों के हित के कानून। जब अभी मैं सहायता समझाऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने बनाई है, तब आपको ये जो बात समझा रहा हूं मैं इसको याद करना पड़ेगा। श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे, श्रम कानून सहायता नहीं थी, श्रम कानून नियम नहीं थे। श्रम कानून पूंजीपतियों से, पूंजीपतियों की दमन से श्रमिकों को बचाने के लिए, श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये श्रम कानून बनाए गए थे। जो कारखाने के अंदर जो कारखाना अधिनियम बना था वो मालिक के शोषण दमन अत्याचार से बचाने के लिए ये सारे एक्ट बनाए गए थे। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर बना, बहुत सारी चीजें उसके बाद बनी। इसके बाद साथियों समझना है, आजादी के पहले तक मजदूर ने ट्रेड यूनियन राइट्स, रेगुलर परमानेंट नौकरी का अधिकार, एग्रीमेंट करने का अधिकार, कारखाना अधिनियम के अंदर कारखाने के अंदर कैसे काम करेगा, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम, 8 घंटे समाज के लिए, ये सारा हासिल कर लिया था। जैसे ही साथियों ये सरकार बना हमारे देश में, कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम ऐसे किए। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से कहा कि हम समाजवादी व्यवस्था लाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा हम समाजवादी हैं, और जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है, जो मार्क्स की और लेनिन की थ्योरी है, उसी आधार पर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण से कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर भी मतभेद हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो विचारों में बटी। मैं उसके इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मगर साथियों कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1964 के बाद से हमारे देश के अंदर कांग्रेस की जो सरकार थी उस सरकार ने भी श्रम कानूनों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। 1965 में जो बोनस अधिनियम बना उसके बाद से साथियों किसी भी तरीके का 1965 से लेकर 1970-71 तक मजदूरों के पक्ष में या इन श्रम कानूनों को मजबूत करने के लिए किसी भी तरीके का बड़ा कोई श्रम कानून नहीं बना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था कायम हुई तो इस पूंजीवादी व्यवस्था ने इन अधिकारों को काटने का काम किया, और साथियों काट नहीं पाए। 1970 में ठेका अधिनियम बना, ठेकेदारी का कानून बना, और ये ठेकेदारी का कानून जो बना इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ठेकेदारी का जो काम है वो काम कराया जाएगा जो स्थायी प्रवृत्ति का काम नहीं है। यहां से उन्होंने घुसपैठ शुरू की। और साथियों 1990 में जब रूस का विखंडन हो गया, रूस का विखंडन होने के बाद दुनिया के पूंजीवादी देशों ने घोषणा कर दी कि अब दुनिया में कम्युनिज्म का सिद्धांत, मार्क्स और लेनिन की जो थ्योरियां हैं वो खत्म हो रही है, वो विचारधारा खत्म हो गई,
तब फिर पूंजीवादी व्यवस्था ने, वो जो पूंजीपतियों के देश है, उन्होंने एक नई आर्थिक नीतियां लेके आई, न उदारीकरण की नीतियों को लेकर के आए। दोबारा समाजवादी व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था दुनिया में कायम ना हो पाए, उसके लिए साथी उन्होंने सिद्धांत बनाया नई आर्थिक नीतियां। और नई आर्थिक नीतियों के अंदर वो तीन चीजें लेके आए, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। और साथियों 1992, 1993, 1994, 1995 में हमारे देश के अंदर श्रम कानूनों को कमजोर करना शुरू हो गया। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा श्रमिकों ने जीता था, उसको खत्म करना शुरू हो गया। भूमंडलीकरण, उदारीकरण की जो निजीकरण की नीति थी, उसमें साफ था कि जो भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसको धीरे धीरे करके खत्म करो। जो भी श्रमिकों को अधिकार दिए गए थे, इनको धीरे धीरे करके नष्ट करो। जो ट्रिब्यून के राइट्स है, उनको धीरे धीरे करके कमजोर करो। जो परमानेंट नौकरी है, उसको धीरे धीरे करके खत्म करो। जो आप इनको सब्सिडी दे रहे हो, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सब सुविधाएं दे रहे हैं, इनको धीरे धीरे करके बंद करो। और ये सारा कुछ देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों, पूंजीपतियों के कब्जे में कराओ। और कब्जे में कराने का लिए निजीकरण का नीति लेके आए थे। अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आपको आगे समझा रहा हूं। इसके बाद से हमारे देश में निजीकरण का दौर शुरू हो गया। मजदूरों का, मेहनत का, स्वर्ग का जो अधिकार है, वो कटना शुरू हो गए। यहां से श्रम कानूनों को खत्म होने की बात शुरू हो गई। और यहां से साथियों एक तरफा नीतियों में बदलाव होना शुरू होगा। तो हमको साथियों इस इतिहास को समझना है, किस तरीके से हमने ये पाया और किस तरीके से हमने किस समय में इसको गंवाया। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ठेका कानून 1970-71 में बना था, उसके बाद से साथियों 1996 के बाद से कारखानों ने, मालिकों ने परमानेंट करना बंद कर दिया और 6-6 महीने की भर्ती शुरू हो गई ठेकेदारी में। तब की प्रोडक्शन में नहीं लगाना था, कानून था कि प्रोडक्शन में नहीं लगाना, मगर इन्होंने प्रोडक्शन में लगाना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सभी सरकारों ने इन नीतियों को आगे बढ़ाया। सभी सरकारों ने पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार दिया कि श्रम कानून मानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा श्रम कानूनों को पीछे चलने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके श्रम कानूनों को कमजोर करना है। उसके बाद से साथियों अटल बिहारी की सरकार जो थी, उन्होंने इन नीतियों को नंगे रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया। विनिवेश मंत्रालय बना दिया था देश की संपत्ति को बेचने के लिए। और यहीं से साजिश शुरू हुई कि जो सरकारी कंपनियों को घाटे में किया जाए, मिसमैनेजमेंट किया, और यहां से सरकारी कंपनियों को बर्बाद करना शुरू किया। और बर्बाद करने के बाद से उनको फिर निजीकरण का रास्ता खोल के देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचना शुरू किया। 2003 में, इस समय तक 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे राज्यों में आ गई थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, तब यहां पर यह फिक्स टर्म कानून लेके आए, जिस फिक्स टर्म को नरेंद्र मोदी ने अभी जो ये कोड बनाया उसके अंदर कानूनी जामा पहनाया। ये पहला कानून भारतीय जनता पार्टी की, बाबूलाल गौर की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने पहले फिक्स टर्म बनाया था। और यहां से साथियों 2003-04 के बाद से नंगे रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन था, कौन पहले इन कानूनों को खत्म करता है, कौन इन राज्यों में कानूनों को खत्म करता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा की और कांग्रेस की सरकारों ने खत्म किए। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के पूंजीपतियों का गठबंधन ये 1996 के बाद से शुरू हो गया था, ये हमको समझना है। और जो भारतीय जनता पार्टी थी वो कांग्रेस से बेहतर थी पूंजीपतियों के लिए। और साथियों 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से इन्होंने ये शुरू किया कि कैसे भी करके श्रम कानून खत्म करना, लाल फीता शाही खत्म होगी, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, तुरंत घोषणा कर दी। उसके बाद से एक ही साल के अंदर घोषणा कर दी कि सभी 44 श्रम कानून खत्म होंगे, उनकी जगह 4 संहिताएं बनेंगी। अब यहां पे साथी समझना है कि 44 श्रम कानून क्यों खत्म किए, इस कॉन्सेप्ट को समझना है साथियों। और इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। जब ये कोरोना काल आया
जिस कोरोना काल में उनको पारित कर दिया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, अब 1 अप्रैल 2021 से लागू करने वाले। तो ये साथियों इतिहास है श्रम कानूनों का पैदा होने का और श्रम कानूनों का खत्म होने का। यहां पे श्रम कानून खत्म हो गए, जो श्रम कानून 1888 से दुनिया में शुरू हुए थे 1 अप्रैल 2021 से खत्म करके, यहां से श्रम कानून खत्म करके यहां से संहिता शुरू होगी। वो संहिता कानून नहीं है, श्रम कानून नहीं है, संहिता नियम है। ये मेहनत कश वर्ग ने कैसे पाया कैसे खोया उसका इतिहास है। और साथ ही 1990 से 2021 का शुरुआत होते ही हमारे देश की सरकारों ने हमसे श्रम कानून छीन लिए। ये साथियों इतिहास है जिसको याद रखना है। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे अपीलें करता हूं कि आपने इस सीरीज के अगर पहले के वीडियो नहीं सुने हैं तो उनको जरूर सुन लें, सारे वीडियो सुन लें, ताकि आप सारी वास्तविकता को, सारी चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए। दूसरा साथियों, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसके अंदर साथियों किसानों, किसान आंदोलन का भी एक फोल्डर है, जिसमें एक दर्शन की सीरीज का फोल्डर है जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आरएसएस का, हिंदुत्व का थ्योरी व्योरी वगैरह बहुत सारा डेटा है उसमें, उसको आप सुन सकते हैं। गुलामी का सीरीज है, बैंक घोटाला है, मार्क्स की लेनिन की आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्स का सिद्धांत क्या है, ये सारी विचारधारा आपके वीडियो इस फोल्डर को, फोल्डरों के अंदर है। तो आपसे अपील है कि उनको सुने और सुनने के बाद से जो भी आपको अच्छे लगते हैं वीडियो उनको शेयर करवाने में सहयोग करें, आम जनता में पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि आम जनता जागरूक हो सके, आम जनता इस बात को समझ सके। और अंत में साथियों निवेदन है कि शेयर करवाने में सहयोग करें। ये बात, ये समझ कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल नहीं बताएगा, कोई पूंजीपति वर्ग की जा सकता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी, आपको मैं हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहा हूं जो यहां तक वीडियो सुना है, कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसकी लिंक पेस्ट करें, ग्रुप्स में अपने दोस्तों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथियों अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको तुरंत सुन सकें और सुनने के बाद आम जनता में शेयर कर सकें। तो ये हमारा अपील है और आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले।